गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्ट लाइन। आई एम अर्जिना और आज की इस वीडियो का टॉपिक है रोम वर्सेस रैम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता है। अगर आपको इस इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से जानकारी नहीं है तो फिर बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आइए शुरू करते हैं। द टू फेसेस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के टू फेसेस कौन कौन से? रैम वर्सेस रोम। द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ मेमोरी। जो कंप्यूटर वर्ल्ड है किस फाउंडेशन पर बिल्ट है? ऑब्वियसली मेमोरी। विदाउट मेमोरी योर कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन, रन एप्लीकेशंस और डू एनीथिंग एट ऑल। बिना मेमोरी के आपका कंप्यूटर कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर सकता, जैसे कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकता, कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता। सेम है जैसे मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। अगर हम मोबाइल में सिम इंसर्ट ना करें तो क्या आप मोबाइल यूज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। सेम एज ये भी है। व्हाइल द टर्म मेमोरी ऑफन रेफर्स टू द सेम थिंग, इट एक्चुअली एनकंपासेस टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। बोथ प्ले क्रूशियल रोल्स इन योर कंप्यूटर्स ऑपरेशन। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन में। बट दे फंक्शन वेरी डिफरेंटली। दिस गाइड delves into the key differences between RAM and ROM, explaining their purposes and how they work within the intricate world of your computer. दोनों ही बहुत important role play करते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ही अलग different function play करते हैं। Next, random access memory, full form of RAM, the workhorse of your computer. What is RAM? RAM होता क्या है? Think of RAM as your computer's short-term memory. Computer का short-term memory होती है. It's where your computer stores data that it's actively using. This data could be anything from the files you are currently working on to the applications you have open. ये data कुछ भी हो सकता है, या तो आपकी current file हो सकती है या कोई भी data जो आप store कर रहे हैं. The more RAM your computer has, the more data it can store and access quickly. This is crucial for multitasking as it allows your computer to switch seamlessly between different tasks without experiencing lag. यह memory क्यों important है? क्योंकि यह multitasking, आप इससे बहुत सारे task कर सकते हैं एक साथ, बिना किसी lag के, बिना किसी दिक्कत के। How RAM works? अब RAM work कैसे करता है? RAM is a volatile memory. Volatile मतलब क्या होता है? जो कभी भी स्थिति change कर सकता है. Meaning that it loses its data when the computer is turned off. RAM volatile है, मतलब जब भी इसमें आप जो भी data store करोगे या फिर कोई भी application use करोगे, suppose आप कोई एक scenery बना रहे हो और अगर आपके कंप्यूटर का पावर ऑफ हुआ तो ये सीनरी वहीं से गायब हो जाएगी। आप जब पावर वापस आएगा तो ये डेटा आपको वहां पर नहीं मिलेगा। तो सेम एज रैम ऐसे ही वर्क करते हैं। जैसे ही आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया होगा या फिर कोई भी आपका डेटा होगा वो वहां से हट जाएगा। दिस इज बिकॉज रैम यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू स्टोर डेटा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि रैम इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू डेटा स्टोर करता है। And those charges disappear when the power is cut off. When your power on your computer, the operating system and other essential programs are loaded into RAM, making them available for immediate use. आप जो RAM data, आप RAM में कोई immediate ही data store कर सकते हो, या फिर कोई suppose अभी power आ रहा है तो तभी आप use कर सकते हो RAM memory. Otherwise जैसे ही power cut होगा, मतलब frequently use के लिए कर सकते हो। Why RAM matters? RAM matter क्यों करता है? RAM is essential for smooth and efficient computer performance. If your computer has too little RAM, it will have to constantly read and write data to the hard drive. RAM matter क्यों करता है? क्योंकि RAM बहुत ही fast, कई सारे multitasking use करने के लिए use किया जाता है RAM को। बहुत ही fast and smooth use होता है ये। बहुत ही crucial role play करता है ये computer में। If your computer has too little RAM, अगर आपके कंप्यूटर में बहुत ही कम RAM है तो आपको बार बार लगातार read and write करना पड़ेगा डेटा को hard drive में, which is much slower than RAM. This can lead to lag, slow application loading times. यह
बहुत सारी रुकावट लाएगा अगर आपके कंप्यूटर में रैम कम है तो, और एप्लीकेशंस डाउनलोड भी बहुत स्लो हो जाएगा। एंड इवन सिस्टम क्रैशेस, सिस्टम्स क्रैश होंगे, इंक्रीजिंग योर रैम कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर कंप्यूटर्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर आप रैम इंक्रीज करते हो तो कंप्यूटर में बहुत अच्छा वर्क करेगा और बहुत सारे फंक्शन यूज कर सकते हो आप। नाउ टाइप्स ऑफ रैम, रैम की कितने टाइप्स होते हैं? रैम एंड रैम मीन्स स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। फर्स्ट, स्टैटिक रैम इज अ टाइप ऑफ रैम दैट यूजेस लैचेस टू स्टोर डेटा। स्टैटिक रैम क्या होता है? जो फ्लिप फ्लॉप डेटा स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज करता है। दीज लैचेस आर ट्रांजिस्टर्स दैट होल्ड द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। यह फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर्स होते हैं जब यह तब तक आपके डेटा को होल्ड करके रखेंगे जब तक पावर सप्लाई चल रहा है। स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनेमिक रैम बट मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स मोर पावर। स्टैटिक रैम वो डायनेमिक रैम से बहुत ज्यादा ही फास्ट है एंड एक्सपेंसिव भी है और पावर भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। प्राइमरली यूज एज कैश मेमोरी इन सीपीयूज व्हिच इज अ स्मॉल फास्ट मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा। ये बहुत ही जल्दी, सपोज आप करेंटली में कोई फाइल यूज कर रहे हो, एक साथ कई सारे फाइल यूज कर रहे हो, तो ये इसके लिए स्टैटिक रैम इसलिए यूज होता है ताकि कई सारे मल्टीटास्किंग कर सके आप। नेक्स्ट इज डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम इज अ टाइप ऑफ रैम दैट यूजेस कैपेसिटर्स टू स्टोर डेटा। इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए एंड डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स। दीज कैपेसिटर्स रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग। यह कैपेसिटर्स को बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा अगर आप ये वाले यूज करते हो डायनेमिक रैम तो, विच मीन्स दैट दे नीड टू बी रिचार्ज पीरियडिकली टू मेंटेन द डेटा। डायनेमिक रैम इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम बट लेस एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम्स लेस पावर। डायनेमिक रैम जो है वो स्टैटिक रैम से कम पावर कंज्यूम करते हैं और कम एक्सपेंसिव भी है उससे। इट इज यूज एज द मेन मेमोरी इन मोस्ट कंप्यूटर। यह मेन मेमोरी की तरह वर्क करता है कंप्यूटर के अंदर। रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म ऑफ रोम द परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज से क्या मतलब है? जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप कोई भी डेटा क्रिएट कर रहे हो अपने फाइल में। फॉर एग्जाम्पल आप वॉशिंग मशीन यूज करते हो, वॉशिंग मशीन में हम सेट कर देते हैं कि इतने पर 30 मिनट्स के बाद अपने आप ऑफ हो जाए वो, तो वो एक परमानेंट डेटा है। सपोज पावर कट हो जाता है अचानक से, वो 20 तक घूमा और पावर कट हो जाता है, पावर कट होने के बाद जब पावर वापस आएगी तो भी वो 20 के बाद ही घूमेगा, ना कि स्टार्टिंग से, क्योंकि उसे तो पता है ना कि 20 में घूम चुका हूँ 10 और घूमना है। सेम एज ये भी है परमानेंट, क्योंकि उसे कमांड परमानेंट की ही दी गई है। What is ROM? ROM होता क्या है? ROM stands for the read only memory. Read only memory is full form of ROM. As the name implies, ROM is a type of memory that can only be read from, not written to. ROM ऐसी मेमोरी जिसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। It is used to store permanent data. For example, हम नोटबुक में पेंसिल से कुछ लिख देते हैं, सपोज पेंसिल से कुछ लिख दिया और सेम हम पेन से भी लिखते हैं, तो हम पेंसिल वाला तो इरेज कर सकते हैं, क्या आप पेन वाला इरेज कर सकते हो? नहीं कर सकते। सेम तो फिर पेन वाला क्या हो गया रोम एंड पेंसिल वाला क्या हो गया रैम, विच इज परमानेंट, यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा। रोम परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, सच एज द इंस्ट्रक्शन फॉर योर कंप्यूटर बूट प्रोसेस, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड द फर्मवेयर फॉर अदर डिवाइसेज। बेसिकली रोम यूज क्यों होता है? ताकि हम परमानेंट डेटा उसमें स्टोर करके रख सके और कभी भी वो विदाउट एनी चेंज आप कर ही नहीं सकते, लेकिन कभी भी वो डेटा आपका हटे ना। रोम इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब आपको पता ही चल गया, जो कभी भी स्थिति चेंज कर सकते हैं, अनलाइक रैम। लेकिन रोम वोलेटाइल नहीं है क्योंकि ये तो परमानेंट डेटा स्टोर करता है। रोम इज नॉन वोलेटाइल मीनिंग इट रिटेन्स इट्स डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। रोम रैम की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद भी, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना वॉशिंग मशीन वाला,
तो सेम वही है, पावर ऑफ होने के बाद भी वो अपना डेटा वैसे ही सेव रखता है, डेटा को हटाता नहीं है। दिस इज बिकॉज रोम यूजेस अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि रोम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए। टिपिकली अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कैन रिटेन इट्स स्टेट इवन विदाउट पावर। दिस मेक्स रोम आइडियल फॉर स्टोरिंग एसेंशियल डेटा दैट नीड्स टू बी अवेलेबल इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसका यूज क्यों किया जाता है? ताकि आप अपना कंप्यूटर टर्न भी ऑफ कर दोगे उसके बाद भी आपका डेटा वो उसमें परमानेंट रहेगा और आप कहीं भी उसे यूज कर सकते हो। रोम इज स्लोअर देन रैम। रोम रैम से स्लो क्यों है? रोम इज जनरली स्लोअर देन रैम बट इट्स स्टिल मच फास्टर देन अ हार्ड ड्राइव। वो रैम से तो कम स्लो, रैम से तो स्लो है लेकिन हार्ड ड्राइव से फास्टर है। दिस इज बिकॉज रोम इज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज टू स्टोर परमानेंट डेटा दैट इज एक्सेस्ड इनफ्रीक्वेंटली। इट्स नॉट डिजाइंड फॉर द रैपिड रीड राइट ऑपरेशन दैट रैम इज यूज फॉर। जैसे कि रैम फ्रीक्वेंटली एक्सेस, कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, रैम वैसे नहीं करता। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अपना डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप बार बार तो कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते। सपोज आपको बहुत बड़ा डेटा एक साथ परमानेंट रखना तो आप रोम का यूज कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM is a type of ROM that can be programmed once. Typically after manufacturing, it requires a special device to program the memory cells. Once programmed, the data is in PROM is permanent and cannot be changed. इसका मतलब क्या हुआ? For example, आपने देखा होगा keypad वाले phones में, Nokia के phone में देखा होगा, जब हम उसका switch off on करते हैं तो फिर hand आते हैं, two hand आते हैं, ऐसे मिलाते हैं। अगर आप उनको कितना भी रोक ले, अरे नहीं भाई मत मिलाओ, हाथ मत मिलाओ, तो क्या वो रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, क्योंकि उसमें पहले से प्रोग्राम वो फिट है, परमानेंट फिट है वो। तो वही है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कोई भी एक चीज उसमें ऐसे, कोई भी अपनी एक डेटा परमानेंट रखना जिसे आप जल्दी रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद जब थोड़ा मॉडिफाई हुआ तो फिर आया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप इरेज कर सकते हो। EEPROM is a type of PROM that can be erased and reprogrammed. Erasing requires exposing the chip to ultraviolet light. These chips are recognizable by the transparent window. EEPROM भी PROM का एक type है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं। Erasing requires exposing the chip to ultraviolet light. These chips are recognized by transparent window. Erase करने के लिए क्या required है? एक chip required है जो ultraviolet light से used होगा, expose होगा। और ये chips कहाँ पर? यह chips कहाँ से recognize होते हैं? Transparent window से. On the chip through which the UV light is shown. Next is EEPROM, electrically erasable, programmable read-only memory. इसमें आप क्या कर सकते थे? अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट के थ्रू आप इरेज कर सकते थे कोई भी प्रोग्राम, बट इसमें आप इलेक्ट्रिकली यूज कर सकते हो। EEPROM इज अ टाइप ऑफ PROM दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज एंड रिप्रोग्राम। यह क्या है? आप इसे इलेक्ट्रिकली रिप्रोग्राम कर सकते हो इरेज करके कोई भी प्रोग्राम। दिस इज डन बाय अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज टू द चिप। यह कैसे अप्लाई होगा? हाई वोल्टेज चिप में हाई वोल्टेज देने के बाद, which allows for selective erasing and reprogramming। आप कोई भी एक selective data को erase कर सकते हो, एक selective program को erase करके reprogram कर सकते हो electrically। EEPROM is commonly used in devices where data needs to be updated without needing to replace the chip। बिना chip को replace किए अगर आपको data को दोबारा से reprogram करना है तो आप कैसे कर सकते हो? electrically, जिसमें क्या चाहिए? सिर्फ एक high voltage चाहिए आपके chip को। Next is flash ROM. Flash ROM is a type of EEPROM that can be erased and rewritten in blocks. Flash ROM क्या होता है? ये किस चीज का टाइप है? ये EEPROM का टाइप है जिसे आप इरेज भी कर सकते हो और ब्लॉक्स में रीरिटन भी कर सकते हो, दोबारा लिख भी सकते हो। दिस मेक्स इट आइडियल फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा।
ये किस चीज के लिए आइडियल है? आप इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। फ्लैश रोम इज कॉमनली यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ये किस में यूज होता है सबसे ज्यादा? यूएसबी में और एसएसडीएस में। की डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम, इनमें डिफरेंसेस क्या है दोनों में, आइए देखते हैं। फीचर्स, रैम एंड रोम, वोलेटिलिटी तो आपको पता, वोलेटिली तो पता ही चल गया आपको, वोलेटाइल लूजेस डेटा व्हेन, रैम में क्या होता है, रैम एक वोलेटाइल है मींस जैसे ही पावर ऑफ होता है ये अपना डेटा खो देता है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। रीड एंड राइट, रैम में क्या कर सकते हो आप? कैन बी रीड फ्रॉम एंड राइट रिटर्न टू, आप इसमें लिख भी सकते हो और रीड भी कर सकते हो, लेकिन रोम में क्या कर सकते हो? सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हो। स्पीड, रैम की स्पीड फास्टर है एंड रोम स्लोअर देन रैम बट फास्टर देन हार्ड ड्राइव। रैम से तो स्लो है लेकिन हार्ड ड्राइव से ज्यादा फास्टर है। कैपेसिटी दोनों की जनरली जी, इसे जीबी में मेजर करते हैं और इसे एमबी में। यूसेज, टेम्पररी डेटा स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेसेस, इसमें आप टेम्पररी डेटा यूज कर सकते हो। आप करंट में कोई फाइल यूज कर रहे हो बस वही यूज कर सकते हो, पावर ऑफ होते ही डेटा खत्म। परमानेंट स्टोरेज फॉर एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस, इसमें आप अपना परमानेंट इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर कर सकते हो। कॉस्ट, मोर एक्सपेंसिव पर जीबी, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव पर जीबी, ये लेस एक्सपेंसिव है रैम से। एक्सेसिबिलिटी, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, ये डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेसिबल हो जाएगा और ये नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, ये डायरेक्ट सीपीयू से यूज नहीं कर सकते। डेटा रिटेंशन, शॉर्ट टर्म, इसमें आप शॉर्ट टर्म डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें रोम में लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर कर सकते हैं। चूजिंग द राइट मेमोरी फॉर योर नीड्स, अपने जरूरत के अनुसार आपको कौन सा मेमोरी यूज करना चाहिए। प्रायोरिटाइज स्पीड के अकॉर्डिंग, इफ यू आर अ गेमर, वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर, यू विल नीड अ लॉट ऑफ रैम टू हैंडल डिमांडिंग टास्क। अगर आप कोई एक गेमर हो या वीडियोग्राफर हो या फिर वीडियो एडिटर हो या फिर ग्राफिक डिजाइनर हो तो फिर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ रैम चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा रैम नहीं है और आप ये काम करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, तो बहुत ज्यादा लैगिंग आएगी उसमें, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। टास्क की डिमांड पर आपको रैम ज्यादा रखना पड़ेगा। चूजिंग अ फास्ट टाइप ऑफ रैम लाइक DDR5 इज क्रूशियल टू अवॉइड लैग एंड बॉटलनेक्स। अगर आपको ये सारे काम करने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या गेम खेलना है या फिर आप गेमर हो तो आपको DDR5 यूज करना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और लैगिंग से भी बचाएगा, मीन्स प्रॉब्लम्स से रोकेगा। नीड मोर स्टोरेज, ज्यादा स्टोरेज, इफ यू स्टोर लार्ज फाइल्स लाइक मूवीज गेम्स और सॉफ्टवेयर, यू विल लाइकली वॉन्ट अ बिगर हार्ड ड्राइव। अगर आप मूवीज स्टोर करते हो, गेम्स स्टोर करते हो या फिर कोई भी एक सॉफ्टवेयर स्टोर करते हो तो फिर आपको हार्ड ड्राइव क्या चाहिए, बिगर चाहिए। SSDs offer faster performance than traditional hard drives. SSDs ज़्यादा faster है traditional से, वो अच्छी performance दिखाता है। So you can find the right balance between cost and speed for your needs. तो आप क्या कर सकते हो, right balance find कर सकते हो अपने accordingly, अपने needs के अनुसार। Budget conscious, if you are on a tight budget, अगर आप एक tight budget में हैं, you can save money by choosing a smaller amount of RAM. तो आप smaller amount of RAM ले सकते हैं, कम, जिसमें कम RAM हो और a less expensive hard drive, या फिर एक less expensive hard drive use कर सकते हैं। Consider your usage patterns and prioritize the features most important to you.
आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कोई भी हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा यूज करना है तो ज्यादा वाला लीजिए, मोर एक्सपेंसिव। अगर कम करना है तो फिर लेस एक्सपेंसिव। आई होप आपको अच्छे से दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, इनके यूज समझ आ गया होगा और क्यों जरूरत है ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।